नमस्कार, मैं ऋतु ठाकुर आपका स्वागत कर रही हूँ मेरे चैनल recipesclass.com में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहा। पोहा बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पोहा बनाना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। तो पोहा बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 100 ग्राम मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। ये मीडियम साइज़ वाला पोहा है, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा है। तो 100 ग्राम है ये पोहा। उसके बाद 2 मैंने हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, 1 चम्मच ऑयल, आधा कप मैंने मूंगफली ली है, 8 मैंने करी पत्ते लिए हैं, आधा चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, आधा छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, आधा लेमन लेंगे और 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक बारीक कटा हुआ। तो सबसे पहले हम पोहे को धो लेंगे। तो हमें सिर्फ वॉश करना है, पोहे को भिगा कर नहीं रखना है। तो अच्छे से डिप करेंगे हम पहले पोहे को, और उसके बाद एकदम पर से हम पानी से अलग कर देंगे। तो पानी से मैंने अलग कर दिया है पोहे को अब बिल्कुल अच्छी तरह से। अब बिल्कुल भी पानी नहीं है पोहे में। तो अब हम तड़का तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को गैस पर रखा, ऑयल डाल देंगे इसमें। तो अभी मैं इसमें सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ छोटी। तो ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो मूंगफली को हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे मूंगफली को। तो 1 मिनट हो चुके हैं, अब निकाल लेंगे। तो मूँगफलियाँ जो हैं वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो उसके बाद में तड़का लगाएंगे अब हम। तो ऑयल डाल देंगे इसमें 1 चम्मच और, कि जो अनियन है हमें वो भी भूनना है। ऑयल गर्म हो चुका है, ज़ीरा डाल देंगे, करी पत्ते डाल देंगे। आप ज़ीरे की जगह पे राई भी डाल सकते हैं। तो करी पत्ता भी भुन चुका है और ज़ीरा भी हमारा भुन चुका है। तो उसके बाद में प्याज डाल देंगे इसमें और प्याज को भून लेंगे। प्याज के साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दी है। प्याज और हरी मिर्च दोनों को भून लेंगे। तो प्याज भून चुके हैं हमारे, प्याज को हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो लगातार चलाते हुए हमने प्याज को भून लिया। उसके बाद में इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाल रखी है सिर्फ। नमक डाल देंगे, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो। मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से, हल्दी भी नमक भी। अब उसके बाद में पोहा डाल देंगे और साथ ही मूंगफली भी डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। आप मूंगफली की जगह पे काजू भी डाल सकते हैं। तो पोहे को मिक्स कर दिया हमने अच्छे से, मूंगफली, पोहा, मसाले सभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। और ये जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल जल्दी 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। तो उसके बाद में मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया है। मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता, बहुत टेस्टी, हम कभी भी बनाकर खा सकते हैं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा बनता है खाने में और मेरा भी फेवरेट है ये। तो हमारा पोहा जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। उसके बाद में मैंने इसमें गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डाल दिया है ऊपर से, थोड़ा मिक्स करेंगे। हरे धनिया से टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमारा पोहा बनकर तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें।